और 25-26 पुलिस वाले ना सीधे मेरे घर में दाखिल हो गए ना। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर चले, मैं अबाया पहन के और आ रही हूँ। 25 की 25 ने ना सीधी बंदूक उसके माथे पे ना। अगर मैं थोड़ी सी, मैं या मेरी बेटी, सिर्फ दो थी हम वहां पे औरतें, बाकी हमारे घर में कोई भी नहीं था ना। अगर जरा सी भी कोई बात करती ना, कोई डाउट ही नहीं था कि ये बच्ची के बालों से पकड़ लेते। मैंने इतनी गाड़ियां देखी और इतनी पुलिस और ये रेंजर भी साथ थी के। मैंने वो देखी तो मैंने कहा आप लोग ये सारे मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। कहते जी आपको गिरफ्तार करने आए। मैंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, मैं इतनी बड़ी दहशत गर्द हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमसे बहस ना करें, ये जो दो बंदे बैठे हैं ये बॉस हैं हमारे, आप इनसे बहस करें, इन्होंने आपको गिरफ्तार किया है। हमने गिरफ्तार नहीं किया, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे ना। उस एसपी मुझे अभी तक याद है, उसने मुझे कहा था कि मैम खुदा जानता है ना कि आयशा की नमाज के बाद ये आ जाते हैं और हमें गालियां निकालते हैं और हमें जद्दोजहद करते हैं और हमारी माओ बहनों को गालियां निकालते हैं, और आपकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने हमने इतना बटन दिया हुआ था कि जिसके बारे में हम आपको कह भी नहीं सकते ना। मैंने कहा मैं आपको अपनी हर बात माफ कर दूंगी, जो आपने मेरी बेटी को के माथे पे बंदूक रखी है ना, वो शिकायत मैं आपकी अल्लाह के आगे दिखाऊंगी। मैं 1 महीने 4 दिन में एक बार भी नहीं रोई ना, लेकिन जब जब मुझे ये बात आई है ना, मेरा अंदर रोया है। जब जब मुझे ये बात याद आई है, मेरा अंदर रोया है ना। और मैं जब वापस आई तो मैंने अपने पोतों से, मैंने अपने बच्चों से जो इनके लिए बददुआएं और जो इनके लिए नफरत देखी है ना, तो मैंने खुदा से दुआ की है ना कि अल्लाह तुम कभी, अल्लाह जो कभी इन पे रहम ना करना। हमने ताने कचेरियां जिंदगी में नहीं देखी थी ना, इन्होंने हमें दहशतगर्दी की अदालतें दिखाई, सारा कुछ दिखाया। और ये सोचते थे कि हम डर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ना मैं खुद डरी हूँ, ना मैंने बच्चों को डरना सिखाया है, ना मेरे बच्चे डरेंगे, ना हमारी अगली नस्लें भी इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी, ये याद रख लेंगे। अपना दहशतगर्दी की अदालत में जज भी पेश किया था मैंने, जज बताइए मारो कि क्या उसका नाम था। मैंने कहा मैम आपसे बात करनी है। कहती क्या नाम है आपका? मैंने कहा रूबी नियाज़ी ना। यहाँ पे गोली मारे, यहाँ पे रख के यहाँ से आवाज आएगी इमरान खान। मैंने कहा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप लोग हमारा, हम मौत को गले लगाने को तैयार हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि बेगुनाह बेकसूर इमरान अहमद खान नियाज़ी 10 माह से जेल पे खड़ा है ना। ठीक है, वो जेल काट सकता है तो हम गर्दने भी कटवाने के लिए तैयार हैं। आप फैसला बड़ों को करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। पाकिस्तान में 9 मई 2023 के बाद से एक बदतरीन फस्तायत भरे दौर का आगाज हुआ, सिर्फ एक जमात के लिए, एक जमात के लीडर के फॉलोअर्स के लिए, यानी कि इमरान खान के लिए और उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से लोग उठाए गए, कहानियां कुछ सामने आई हैं, कुछ नहीं आई। ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बताते हैं वो बड़ी अंधोना किस्म की दास्तान है जो लोग बताते हैं, मगर जो लोग अब आना बताना शुरू कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि क्या क्या फस्तायत की गई है, क्या क्या जुल्म व सितम किया गया है। उन्हीं में से एक रूबी नियाज़ी साहिबा जो कि मियाँ वाली से हैं, अब वो हमारे साथ मौजूद हैं। रूबी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जैसे कहा कि फस्तायत के एक नए दौर का आगाज़ हुआ जो कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबा ऐसी फस्तायत नहीं हुई थी, उसी फस्तायत का आप भी शिकार रही हैं 9 मई 2023 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, इनके फसाइत का जो शिकार सबसे ज्यादा जो तहरीके इंसाफ से, इनके कोई वो नहीं था कि वो सियासत से थी, तहरीके इंसाफ के साथ कोई तल्लक भी था, इमरान खान के साथ उनका कोई तल्लक भी था ना, तो सबसे ज्यादा इन्होंने औरतों पे की है ना, औरतों पे, और वो भी पढ़ी लिखी, यकीन जाने ना, जो पीटीआई की पढ़ी लिखी जो दलेर जो एजेंट औरतें थी ना, इन्होंने वो उठा के जेलों में डाल दिया, वो उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया। रूबी नियाज़ी को क्यों गिरफ्तार किया गया, कब गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया? रूबी नियाज़ी को इन्होंने 9 जून को गिरफ्तार किया था, 9 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इन्होंने ऐसे किया था कि मुझे घर में आके सामने में दुपट्टा कलर कराने के लिए देके आई थी उस बच्चे, ये शायद मेरी रैकी कर रहे थे ना, अब कितने दिनों से रैकी कर रहे थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैं दुपट्टा देने के लिए गई थी जो लड़का रैकी कर रहा था 22-23 साल का, उसको मैंने देख लिया था ना। अच्छा, उस दुपट्टे वाले बच्चे को इस्तेमाल करके ये दरवाजे पे आए। मैंने शाम की नमाज पढ़ी हुई थी, मैं वुजू से खड़ी थी ना, मैंने वो बच्चे की आवाज सुनी तो मैंने जाके गेट खोला, गेट खोल के लाइट चली गई हुई थी, इन्होंने पूरे मोहल्ले की लाइट मेरी गिरफ्तारी से पहले बंद कर दी हुई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था पूरे मोहल्ले में ना।
तो मैं दरवाजा खोल के आ गई। मैंने कहा चलो बच्चे को पैसे जो देने हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं उसको पैसे दे दूं, क्योंकि मैं किचन में हांडी बना रही थी ना। मैं किचन में गई हूँ, मैंने चूल्हा ऐसा किया, तो वापस आई हूँ तो ड्राइंग रूम में फ्रिज के पर मेरे के पास दशकरा सा खड़ा था। मैंने उसको जब देखा है तो खैर मैं एकदम से घबरा गई हूँ। घबराने के बाद मैंने कहा आप कौन है? तो कहते हैं आप रूबी नियाजी है। मैंने कहा जी जी मैं रूबी नियाजी हूँ। तो कहते हैं मैम आप गिरफ्तार है ना? मैंने कहा मैं गिरफ्तार हूँ तो तुम हटे कटे मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए हो? ना चादर ना चार दीवारी, कोई एहतराम आपने नहीं किया, आपके साथ लेडीज पुलिस की तरह। जब मैंने कहा है कि लेडीज पुलिस की तरह, तो वो छोटी सी हाइट की एक पतली दुबली सी भाग के अंदर आई है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो मैंने कहा तुम पहले अंदर क्यों नहीं आई, तुम पहले अंदर क्यों नहीं आई? तो कहती मैम आप आ गई। मैंने कहा मैंने पहले का पूछा है, आप आ गई हो, इस बात को छोड़ो ना। अच्छा खैर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बाहर खड़े हो। मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि आप बाहर, इतनी देर से ना दो सिविल कपड़ों में जो अंदर दाखिल हुए थे ना उनके बैग पे पुलिस आई है। अच्छा उन्होंने बड़ा मेन गेट मेरे घर का खोल दिया और 25-26 पुलिस वाले ना सीधे मेरे घर में दाखिल हो गए ना। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर चले, मैं अबाया पहन के और आ रही हूँ, क्योंकि मैं अबाया पहनती, मैंने अबाया पहना, जूतियां पहनी और दुपट्टा किया। तो इतनी देर तक ना मेरी बेटी ऊपर से उतर आई। अच्छा मेरी बेटी ने एमएससी साइकोलॉजी किया है, वो नफ्सियात की डॉक्टर थी। उसने सिर्फ एक सवाल किया है कि एफआईआर तो दे दे, एफआईआर की कॉपी तो दे दे, या कोई चीज तो दे दे। 25 पुलिस वाले थे, 25 की 25 ने ना सीधी बंदूक उसके माथे पे, ना माथे पे बंदूक करके, और फिर अजीबो गरीब सी आवाजें भी निकाली जैसे डराते हैं, जैसे खौफजदा करते हैं ना। वो पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसने मेरे मुंह की तरफ देखते हुए, मैंने उसको आंखों से इशारा किया, वो चुप कर गई। मैं गाड़ी में बैठ गई बाहर। मैं इनसे पहले निकल के गाड़ी में इसलिए बैठ गई कि अगर मैं थोड़ी सी, मैं या मेरी बेटी, सिर्फ दो थी हम वहां पे औरतें, बाकी हमारे घर में कोई भी नहीं था ना। अगर जरा सी भी कोई बात करती ना, कोई डाउट ही नहीं था कि ये बच्ची के बालों से पकड़ लेते। मतलब निहत्थी मैं आदमी। इनसे पहले, पुलिस वालों से पहले निकल के मैं गेट के बाहर खड़ी हो गई और मैंने इनसे कहा कि आए। मैं जब गाड़ी में जाके बैठी ना, तो मैंने इतनी गाड़ियां देखी और इतनी पुलिस और ये रेंजर भी साथ थी, मैंने वो देखी। तो मैंने कहा आप लोग ये सारे मुझे गिरफ्तार करने आए? कहते जी आपको गिरफ्तार करने हैं। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतनी बड़ी दहशत गर्द हूँ, अब रूबी साहब मैं आप इतनी बड़ी दहशत गर्द? क्यों क्यों गिरफ्तार किया गया था? ये 26-27 पुलिस वाले आपकी बेटी पर गन क्यों तानी? आपके घर में क्यों आए? क्या जुर्म था रूबी नियाजी का? रूबी नियाजी का सिर्फ ये जुर्म था कि रूबी नियाजी बोलती थी। आप गूगल पे जाएं, रूबी नियाजी मेरी जेल जाने से पहले सर्च करें ना, तो मैं बोलती थी, मैं हक में अब भी बोलती हूँ, मैं अब भी बोल रही हूँ ना। मुझे इन्होंने 9 मई के लिए गिरफ्तार किया ना। मैंने इनसे कहा, मैंने मेरी हर जो स्टेटमेंट है उसमें ये मैंने वाजे कहा है कि मेरा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इमरान अहमद खान नियाजी से रिश्ता है, वो नियाजी है, मैं नियाजी हूं, और हमारा खून नियाजी वाला है ना। और मैं उसके लिए नहीं खड़ी, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ी थी, खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी ना। FIR में गिरफ्तार किया गया था, तब क्या जुर्म बताया गया था आपको? एफआईआर में जुर्म कोई नहीं बताया था, बिल्कुल ही कोई नहीं बताया बताया। जब ये इन्होंने सो कॉल जेल के अंदर ढोंग रचाए ना शनाख्त परेड के, तो शनाख्त परेड में ना पुलिस वालियों ने ना वो 25-25 26-26 साल की जो सजाएं वाली कैदी थी ना, उनको भी लाइनों में बिठाया ना। वहां पे जो 25 साल वाली ये कैदी थी, वो मेरी तरह हाइट ऊंची लंबी थी ना, तो उसके शुबे में उसको शनाख्त किया। वो घर जब बार्क में आई तो वो मुझे कह रही थी कि मैं 25 साल सजा है मुझे और मैं 10 साल से जेल में हूँ। उन्होंने मुझे शिनाख्त कर लिया कि ये भी थी वहां पे ना। मतलब रूबी नियाजी पे इल्जाम उन्होंने ये लगाया था कि ये इमरान खान के नारे मारती है और इमरान खान का परचम पहनती है, इल्जाम ये था। अदालत में भी यही बताया गया कि ये जुर्म है। जो जो जज शिनाख्त परेड में बैठा हुआ था जेल के अंदर, उसने पुलिस, एक औरत पुलिस वाली थी और एक मर्द था, जो सारों को शिनाख्त करने के लिए वो दो ही आते थे ना, तो उसको जज ने कहा कि इधर आए, आपने रूबी नियाजी पे इल्जाम क्या लगाया? तो कहते रूबी नियाजी इमरान खान का परचम पहनती थी तो नारे लगा दी। तो जज ने कहा ये दहशत गर्दी तो नहीं है, परचा तो रूबी नियाजी पे दहशत गर्दी के है। दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। जेल में क्या रवैया था? लाहौर जेल में रखा गया था आपको या मियांवाली में ही? कोट लखपत जेल में, कोट कोट लखपत जेल लाहौर। लखपत में मैं यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, खतीजा शाह, ये सारी हम इकट्ठी थी।
अच्छा जब मैं गई तो 38-39 थी, जब हम वहां पे थी तो फिर 74-75 हो गई थी ना। रवैया कैसा था जेल में इनका आपके साथ? किनका? पुलिस वालों का? अगर तो पुलिस वाले थे तो फिर उनका? जेल में तो पुलिस वाले थे ना, जो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मैंने उनसे बहस की, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ, तो मैं बहस की, तो मुझे पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमसे बहस ना करें, ये जो दो बंदे बैठे हैं ये बॉस हैं हमारे, आप इनसे बहस करें, इन्होंने आपको गिरफ्तार किया है। हमने गिरफ्तार नहीं किया, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे ना। तो मुझे समझ तो पहले ही आ गई थी, तो जब अंदर गए मुझे घुमाते घुमाते ना, मुझे घुमा रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे घुमाए ना पूरे लाहौर में ना, तो नहीं मैम हम उधर से जा रहे थे तो उधर तहरीक लबैक वालों का जो था ना, उन्होंने रोड ब्लॉक किया है, मुझे थाना अनारकली ले गए ना। थाना अनारकली में मुझे एसपी पे, जब एसपी के पास जब लेके गए तो उन्होंने दुआ सलाम हुई, बड़ी 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 इज्जत बड़े एहतराम से उन्होंने बिठाया मुझे, और मुझे मैंने कहा कि सर मुझे एक एतराज है, मुझे अपनी गिरफ्तारी पे एतराज नहीं है, जो इन्होंने मुझे जिस तरीके से गिरफ्तार किया है मुझे उस पे एतराज है ना। तो उस एसपी मुझे अभी तक याद है, उसने मुझे कहा था कि मैम खुदा जानता है ना कि ईशा की नमाज के बाद ये आ जाते हैं और हमें गालियां निकालते हैं और हमें जद्दोजहद करते हैं और हमारी माओ बहनों को गालियां निकालते हैं, और आपकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने हमने इतना बटन दिया हुआ था कि जिसके बारे में हम आपको कह भी नहीं सकते ना, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। वो दो सिविल कपड़े वाले एसपी को गालियां निकालते थे ईशा की नमाज के बाद थाने जाकर। हाँ जी, और फिर उस सिविल कपड़ों वाले वॉशरूम में गए, मुझे गिरफ्तार एसपी पे गिरफ्तार करके वॉशरूमों में चले गए, वॉशरूम में जाके मुंह शुद्ध धो के आके यूं करके आके खड़े हो गए, तो मैम रूबी नियाजी हमने आपसे माफी मांगी नहीं है ना। मैंने कहा मैं आपको अपनी हर बात माफ कर दूंगी, जो आपने मेरी बेटी को के माथे पे बंदूक रखी है ना, वो शिकायत मैं आपकी अल्लाह के आगे नहीं लगाऊंगी, वो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी ना, वो चीज मुझे आज भी रुलाती है ना, और वो मुझे जिंदगी भर रुलाती रहेगी, ये याद रखिएगा ना, वो चीज मैं कभी भूल भी नहीं सकती ना। मुझे जेल में 1 महीना 4 दिन रखा, मैं 1 महीने 4 दिन में एक बार भी नहीं रोई ना, लेकिन जब जब मुझे ये बात आई है ना मेरा अंदर रोया है, जब जब मुझे ये बात याद आई है मेरा अंदर रोया है ना। और मैं जब वापस आई हूं तो मैंने अपने पोतों से, मैंने अपने बच्चों से जो इनके लिए बददुआएं और जो इनके लिए नफरत देखी है ना, तो मैंने खुदा से दुआ की है ना कि अल्लाह तुम कभी, अल्लाह तुम कभी इन पे रहम ना करना। जेल में रवैये बर्दाश्त कर लिए, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, नहीं बर्दाश्त हुआ तो फिर 26-27 पुलिस वालों का, दो सिविल कपड़े में बैठे लोगों का बेटी के ऊपर बंदूक तानना, जिसको आपने डॉक्टर बनाया, साइकोलॉजी की डॉक्टर है मियांवाली जैसे इलाके से। मैं गाजी की बेटी भी हूँ, मेरे वाले सब 65 और 75 की जान के गाजी थे ना, मुझे अपनी जात की कोई भी तकलीफ, यकीन जानो मैं 1 माह 4 दिन जेल में रही हूँ, मुझे अंदर से पता था कि मैं बेगुनाह हूँ ना, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ ना, लेकिन जब जब वो सीन मुझे याद आया है ना, और जब मुझे ये याद आता था ना कि मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं था ना, ठीक है, वो जब सुबह उठेगी तो उसको मार नहीं नजर आएगी, तो उसके उसका वो दिन कैसे गुजरेगा, मुझे ये चीजें रुलाती थी ना, मैं फिर भी नहीं रोती थी। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा ना, इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा ना, आगे वो और औरतें गिरफ्तार की हैं जिनका सियासत से, जिनका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था, कभी हमने ताने कचेरियां जिंदगी में नहीं देखी थी ना, इन्होंने हमें दहशतगर्दी की अदालतें दिखाई, सारा कुछ दिखाया, और ये सोचते थे कि हम डर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ना मैं खुद डरी हूँ ना मैंने बच्चों को डरना सिखाया है ना, मेरे बच्चे डरेंगे ना, हमारी अगली नस्लें भी इमरान खान के साथ खड़ी रहेंगी, ये याद रख लेंगे अपना। अब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और जमहूर मतलब अवाम, और अवाम की मर्जी है, वो जिसको मर्जी पसंद करे, जिसको मर्जी सपोर्ट करे। मगर जाहिर है जेल के, मैंने आपसे वैसे भी जब बात की, औरों से भी बात की, वो जेल की चीज़ें तो बर्दाश्त कर गए हैं कि जो भी जेल में रवैया था। वो लोग कहते हैं कि जैसे हमें ट्रीट किया इन लोगों ने, जिस तरह हमारे साथ पेश आए हैं, हमारे घर वालों के साथ पेश आए हैं, वो काबिले बर्दाश्त नहीं था। अभी आपसे भी बात हो रही है, आप भी यही बता रही हैं जैसे आपकी बेटी के साथ हुआ। तो ये एक एक तो चलो रवैया था, रवैया दिल दुखाता है, बाकी कोई खौफ था जिससे मसला हुआ, या फिर एक भरम था जिसके टूटने का दुख हुआ? ना खौफ बिल्कुल नहीं था,
खौफ बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी बात कहूँ ना तो मैं हलफन आपसे कह सकती हूँ ना, मेरा भरम टूटा है, मेरा भरोसा टूटा है। हमारा वो 70 साल से जो रोमांस था ना, बेलोस रोमांस था ना, उसका भरम टूटा है ना। वो शौक जो था ना, उस शौक शौक ने हमें ना बिल्कुल झिंझोड़ के रखा है। खान, मुझे तो बिल्कुल ही झिंझोड़ के रखा है ना। मैं आपको आज एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे तो मैं छोटी थी, तो वो इमरान खान की मैच देख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल था कि वालिद साहब मेरे साथ बोले, तो वो चुप करके मैच देखी जा रहे थे। तो मैंने कहा अबू, अगर इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए, तो उन्होंने ना ऐनक के नीचे से यूं करके उठाया और मुझे कहते हैं उल्लू की पट्टी, आपने ऐसे कैसे सोचा है? तो मैंने कहा ऐसे ही तो मुझे कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। उस वक्त मुझे एस्टेब्लिशमेंट की समझ नहीं आई थी ना, वो मुझे समझ भी नहीं आनी थी, मैं बची थी। तो कहते हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान की ईमानदारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे वालिद साहब को मरे हुए भी 14 साल हो गए हैं ना, 14-15, तो इसकी ईमानदारी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, लेकिन फिर आप लोग लेके आएंगे ना। मैं उस वक्त छोटी थी, बचपन था मेरा, तो उनके लिए मेरा, मैं ही उनका मुस्तकबिल थी, यानी कि हम ही लोग। उन्होंने मुझे कहा था आप लोग लेके आएंगे ना। जब इन्होंने मुझे जेल में डाला, जेल से मुझे 29 दिन हो गए थे, तो मेरे वाले साहब आके मुझे ख्वाब में मिलते हैं और वो उस चक्की में आते हैं जिस चक्की में मेरे यासमीन राशिद होती, जिनके साथ मैं बैठती थी, बातें भी करती थी। तो वहां पे आके तीन बुजुर्गों को लेके मुझे आके कहते हैं कि जेल में अब तुम्हारा काम खत्म है, जेल में मैं खुद आ गया हूँ, जेल से बाहर जो तुम्हारा काम है वो तुमने करना है ना। उस दिन से मैं और मजबूत हो गई हूँ ना, मैं और डट के खड़ी हूँ ना, इसलिए कि हमें पता है हमारे बाप ने 65 और 75 की जंग लड़ी थी। तो 7 माह तक जब घर वापस नहीं आए थे ना, तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बड़ा भाई बताते हैं कि उनपे क्या गुजरी थी ना। मेरी माँ हमें बताती थी कि ना उसपे क्या गुजरी है ना, कि वो रोटी भी नहीं खाती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कितनी तकलीफ में होती थी। जो मेरी बहन दूध पीती थी उसको दूध नहीं आता था। मुझे ये सारी बातें याद है ना। मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ बैठ के उनकी हर एक बात सुनती थी ना। आज इमरान खान जो लड़ रहा है ना, आप यकीन करो, वो जो बचपन में मैंने वाले साहब की बात सुनी थी, वो सेम टू सेम मेरे सामने आई है या नहीं आई? अच्छा रूबी साहिबा, जेल में आप 1 महीने से ज़ायद का वक्त आपने गुजारा है दीगर असीरान के साथ जो कि तहरीक इंसाफ के हैं। वो तो चलो लीडर्स हैं, आप तो उस तरह लीडर भी नहीं थी, सिर्फ इमरान खान का परचम, इमरान खान के झंडे व हाथ में। जेल में जो वक्त था उस वक्त में कोई शिकायत है आपको? जेल में पहली बात तो ये है कि मैं थी और एक रजिया सुल्ताना थी ना। हमने पुलिस वालों से ये कहा था कि ये याद रखिएगा कि हम सियासी कैदी, हम क्रिमिनल नहीं है ना, हमसे रवैया सियासी कैदियों वाला रखना ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जेल वालियों ने रवैये जो भी थे वो गाली गलौज दूसरे लोगों से करती थी, तो हमने तो उसमें भी एतराज किया था ना पुलिस वालियों से। जेल में रहना ही मुश्किल है ना, जेल का माहौल ही मुश्किल था। जेल में जो रह रहे हैं ना उनको सलाम है अल्लाह कसम ना। 1 मंथ 1 साल बराबर लगा, लेकिन काटी दलेरी से, क्योंकि लास्ट वाले दिन मुझे पुलिस वालियों ने, लास्ट से 1 दिन पहले जिस दिन मैंने आना था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि रूबी नियाजी साहिबा, आप मुझे बताएं पूरा 1 महीना हो गया है, आपके चेहरे से मुस्कुराहट और आप का इत्मीनान जो है ये किस बात का है? तो मैंने कहा वो ये इस बात का है कि मुझे पता है, मेरी जमीर को पता है कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये इत्मीनान और ये सुकून, ये मुस्कुराहट उस चीज की है। जेल से रिहा हुई आप, गिरफ्तार हुई थी कि नाम इमरान खान का लेती हैं, परचम इमरान खान का थामती हैं, तो अब भी नाम इमरान खान का लेंगी, परचम इमरान खान का थामेंगी? मैं ना दहशतगर्दी की अदालत में जज भी पेश किया था। मैंने जज बताइए अमारो के क्या उसका नाम था, मैंने कहा मैम आपसे बात करनी है। कहती क्या नाम है आपका? मैंने कहा रूबी नियाजी ना। मैंने कहा मैम इनसे कहे हमारे पे इतनी FIR ना करें, बेगुनाह बेकसूर, यहाँ पे गोली मारे, यहाँ पे रख के यहाँ से आवाज आएगी इमरान खान इमरान खान। मैंने कहा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप लोग हमारा, इनसे कहे। तो कहती है नहीं रूबी नियाजी साहब, पता है आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप लोगों के साथ ना इंसाफी हो रही है, आप बड़ी हिम्मत और इस्तेकामत से खड़े हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। पुलिस वाले की तरफ मुंह करके कहती है कि जमानतें कराएं इनकी ना, मुझे दूसरे कमरे में रूबी नियाजी को लेके जाए, जैसे मेरे सामने बोल रही है वैसे ही जाके वो जज के आगे बोलो कमरा नंबर 2 में ना। तो पुलिस वाला कहता है मैम आप रूबी नियाजी को उनकी तरफ ना भेजें, इसकी जमानत लगी हुई है, इसकी कल हो जाएगी ना, मेरी जमानत हो गई थी। आखिर में बस ये बता दें, हमारे मुआशरे में खवातीन का जेल जाना बुरा समझा जाता है,
मर्दों का भी बुरा समझा जाता है, मगर खवातीन जाहिर है उनको मजीद बुरा समझा जाता है। तो फिर जब रिहा हो गई, क्या रिएक्शन था मोहल्लेदारों का, इलाके वालों का, बच्चों का मैं आपके? आपको एक बताऊं, मैं अपने खानदान की पहली औरत हूं जो कैद हुई हूँ, सियासी कैदी बनी हूं ना। मुझे फखर है, मुझे फखर है, मेरे बच्चों को फखर है, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे किसी ने, बस ये था उनको कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरे चार पांच ऑपरेट हुए हैं, मेरे मेदे और सांस की नाली आर्टिफिशियल है, मेरे जिगर का ऑपरेट हुआ है, उनको ये दुख था कि आप ठीक नहीं थी ना, आप ठीक होती, मुझे अभी भी किसी ने नहीं रोका। मुझे मेरी मेरी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह, हयात है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे, मेरी माँ रोती थी, मेरी माँ को तकलीफ है, वो अभी भी फोन करके मुझे यही कहती है कि मुझे तुम्हारे इस रास्ते पे एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारी तबीयत का है कि तुम, तो मैंने माँ से कह दिया है, मैंने बच्चों से भी कह दिया है ना, कि मैंने पहले दिन से जब यहाँ से कदम इस तरफ किया था ना, मैंने सोचा था या मैं शहीद हूँ या मैं गाजी हूँ, बाप की तरह ना, वो मेरे रब की रजा है ना, वो मुझे शहीद करता है वो उसकी रजा है, वो मुझे गाजी बनाता है वो उसकी रजा है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा था मैंने। जो जिन्होंने सिर्फ इसलिए उठाया कि नाम खत्म हो जाए इमरान खान का, वो ये देख लेंगे कैदों सबूतें बर्दाश्त करने के बाद 26-27 पुलिस वाले, 2 सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों की अपनी बेटी की तरफ बंदूकें देखने के बावजूद रूबी नियाजी आज भी इमरान खान का नाम ही ले रही है और आज भी तहरीक इंसाफ का नाम ही ले रही है। रूबी साहब, आप अल्लाह करे जमहूरियत की फतह और पाकिस्तान बिल्कुल की जमहूरियत जो है किसी हद तक तो हो कि आवाम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने हुक्मरान चुन सके, बोलने की आज़ादी हो। कुछ कहना चाहिए आखिर में तो आप कह सकती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही थी, तो एंड पे ना सब जो जो ये सारे कर रहे हैं ना, सबको पता है ना, मैं जरूरी नहीं है यहाँ पे नाम लूँ ना, क्योंकि नाम अब बहुत ओपन हो गए हुए हैं ना, मैं उनसे कहना चाहती हूँ ना, वक्त है अब ये सोच ले कि जब जिन बेगुनाह बेकसूर औरतों को आपने जेल में डाला, जो कमजोर औरतें आप समझते थे वो कमजोर नहीं है, जब वो डट गई है तो उनकी अगली नस्लें भी डट के खड़ी हैं, अभी आपको ये सोचना चाहिए कि आपने इज्जत और पाकिस्तान बचाना है या ना इज्जत बचानी है ना पाकिस्तान बचाना है, अब वक्त डू और डाई का है, ठीक है, अब पीछे हटने को हम तैयार नहीं है ना, हम मौत को गले लगाने को तैयार हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि बेगुनाह बेकसूर इमरान अहमद खान नियाजी 10 माह से जेल पे खड़ा है ना, ठीक है, वो जेल काट सकता है तो हम गर्दने भी कटवाने के लिए तैयार हैं, अब फैसला बड़ों को करना है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजश्ता कई महीनों से मावराए आइन मावराए कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।